गेरीलाल के हसीन सपनों की तरह है। कर्नाटक में बम धमाका होता है, कर्नाटक की सरकार सोई रहती, नहीं पकड़ती उसको, NIA जाके पकड़ती है कलकत्ता से। इनके यहाँ पर काउंसलर की, कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, ये उसको नहीं पकड़ पाते आरोपी को। इनके यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली कैंपस में लगते हैं, ये उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि कांग्रेस के ही वहाँ पर समर्थक थे। मेरा सवाल उप मुख्यमंत्री से ये है कि क्या कांग्रेस वोट के लिए इतना गिर चुकी है कि अब वो एक तरफ से फेल हो रही है अपने कामकाज में, तो दूसरी तरफ तुष्टिकरण की राजनीति के कारण बहुत नीचे गिरती जा रही है।